नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी और आज 26 सितंबर है और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार चुनाव में जुटे नेताओं की तैयारियां जोरों पर है। जानिए पेटीएम के सीईओ ने फेसबुक पर क्या टिप्पणी की। डोनाल्ड ट्रंप ने एमी कोनी बैरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आज जज नियुक्त किया। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। उनके लिए पूर्वाहन से पहले का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी का संबोधन शाम करीब 6:30 बजे होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि देश आज सिंह की तरह की गहराई वाले प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है। राहुल ने ट्वीट किया, भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह गहराई वाले प्रधानमंत्री की कमी महसूस करता है। उनकी ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो 3 नए कानून बनाए हैं, उनमें भारतीय खेती की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि इन तीनों कानूनों के जरिए केंद्र सरकार ने संविदा खेती के साथ साथ कॉर्पोरेट खेती की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। भारत में तेजी से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 85,362 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 48,49,585 मरीज ठीक हो चुके हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सीएम योगी को धमकी देने वाले को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरतगंज थाना प्रभारी अंजनी पांडे के मुताबिक आरोपी अमरपाल नाम का ट्रक ड्राइवर है, जो कि मूल रूप से इटावा का रहने वाला है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशी हिदेसुगा ने कहा है कि उनके और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच सम्मेलन और उच्च स्तरीय बैठकों के साथ निकटता से काम करने की सहमति बनी है। सुगा ने जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा, मैंने चीन के राष्ट्रपति को बताया है कि जापान और चीन के बीच संबंधों में स्थिरता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में यूजी कोर्सेज में दाखिले की दौड़ 12 अक्टूबर से शुरू होगी। डीयू ने शुक्रवार रात दाखिले के लिए कट ऑफ का शेड्यूल जारी कर दिया है। दाखिले के लिए कुल 5 कट ऑफ जारी होंगी, जबकि एक स्पेशल कट ऑफ जारी की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े एक केस के मामले में आज एनसीबी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन जारी किया है, जिसमें आज पूछताछ की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को साल 2017 के मादक पदार्थों से जुड़े चैट को लेकर समन जारी किया है। ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को भारत सरकार के साथ उसके पुराने कर विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में जीत हासिल हुई है। यह मामला कंपनी से 22,100 करोड़ रुपए की कर मांग से जुड़ा है। बहरहाल फैसले की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने कहा है कि वह मध्यस्थता अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधान परिषद की 8 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान कर दिया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 22 अक्टूबर को होगा। परिषद की 8 सीटों में से 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की एक्सपेरिमेंटल कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मजबूत इम्यून रिस्पांस पैदा करने में कामयाब रही है। वैक्सीन के शुरुआती चरण के नतीजे आज प्रकाशित किए गए, जिसकी 2 अलग अलग खुराकों को टेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि कंपनी की वैक्सीन इसलिए खास है क्योंकि दूसरी कंपनियों के वैक्सीनों की 2 बार दिए जाने की जरूरत पड़ सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, वे अपना सभी कोविड-19 टेस्ट करवा लें। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। दिल्ली मेरठ के बीच प्रस्तावित देश की पहली रैपिड रेल का डिजाइन तैयार हो गया है। ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें सुरक्षा, आराम और सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खड़े होकर भी यात्री आराम से सफर कर सके। पेटीएम के सीईओ ने गूगल फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे देश से 35,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाते हैं, टैक्स देते हैं जीरो और देश के बिजनेस पर अपनी धौंस अलग जमाते हैं। साथ ही उनका मानना है कि गूगल फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर देश में अंकुश जरूर होना चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य में संगीत को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की परंपरा कम से कम 2000 साल पुरानी है और शास्त्र पर आधारित है। राज्य के संगीत के अपने राग भी हैं। संसद से पास हुए कृषि सुधार बिल के खिलाफ शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी और जाप कार्यकर्ताओं ने भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पप्पू यादव समेत 100 अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब बंद के तहत किसानों ने शुक्रवार को व्यापक प्रदर्शन किया। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है, जिसके साथ इसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। पूरी तरह से पंजाब बंद के लिए भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में 21 किसान संगठनों ने हाथ मिलाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एमी कोनी बैरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आज जज नियुक्त करने का फैसला किया है। इसकी औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। एमी दिवंगत जज जस्टिस रूथ बादेर गिंग्सबर्ग का स्थान लेंगी। एमी को जज बनाने के लिए ट्रंप को अब सीनेट की मंजूरी देनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े एक मामले में करण जौहर पर उठे सवालों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि ना तो वह स्वयं कोई मादक पदार्थ लेते हैं और ना ही इसके सेवन को प्रोत्साहित करते हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई थी कि करण जौहर के घर पर हुई पार्टी में मादक पदार्थ का सेवन हुआ था। बिहार में नेताओं ने चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर ली है। प्रचार के लिए बीजेपी ने व्हाट्सएप पर 4 करोड़ लोगों को जोड़ा है, तो जेडीयू ने ऐप का सहारा लिया है। वहीं राजद कांग्रेस सोशल मीडिया पर रैलियां कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।